अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद सबील अफरीदी आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप लोगों को डॉक्टर मोहम्मद सबील ऑफिशियल में खुश आमदेद कहता हूँ। जैसा कि शुरू के इब्तिदा में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को ब्रास, जिंक, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके बारे में बताऊँगा और इसके बनाने के तरीके भी बताऊँगा। तो अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो ब्रास में बना रहा हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए। तो अगर कोई चाहे कि हम सीखना चाहते हैं कमेंट्स में कर ले। अब मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ जो ब्रास मैंने बनाया हुआ है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए, जो मसनूई जेवरात बनाए जाते हैं उनके लिए मैंने जो बनाया है अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो। तो अगर कोई सीखना चाहे तो कमेंट्स करें ताकि फिर मैं भी इसका आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो ये मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए बनाया हुआ है। इससे हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होता है, इससे सारा आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनते हैं। और ये बड़ी मेहनत से बनाया जाता है। मैं इंशाल्लाह अगर कोई चाहे तो तेरे का तरीका और जिस चीज़ से ये बनता है तो वो भी इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बताऊंगा। वो ये बिल्कुल सेम टू सेम है। अब ये तकरीबन हो गया 43 किलो 200 ग्राम ब्रास। इसमें 100 ग्राम बोरी का वजन होगा। तो लिहाजा चलते चलते आप लोगों को याद दिला रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लिहाजा वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग चाहें कि हम ये काम सीखना चाहते हैं कॉमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसके तफसीली वीडियो बनाऊँगा कि ये कौन सी मटीरियल से बनता है, कैसे बनता है, किस तरीके से तैयार होता है, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए बनता है।